हालात कश्मीर में खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये चिंताजनक है। पिछले 4-5 दिनों से हमने देखा है कि कश्मीर में जानबूझ के सेलेक्टिव टारगेटिंग जो है वो की जा रही है, जिसमें मिनोरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उसमें कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं जिनको टारगेट किया गया, सिख समाज के लोग, महिलाओं को टारगेट किया गया, ओबीसी को टारगेट किया गया, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया। ये एक फिर कोशिश है मिलिटेंट की तरफ से कि एथनिक क्लिंजिंग हो जाए, जैसे माइग्रेशन 1990 में हुई थी वैसी माइग्रेशन दोबारा करवाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि हिंदुस्तान 2021 वाला 1990 वाला हिंदुस्तान नहीं है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लड़ के टेररिज्म को खत्म करेंगे। कोई किस्म किस्म की वीकनेस जो है ना भारतीयों में है और ना भारतीय गवर्नमेंट में है। ये जो कोशिश की जा रही है कि माइग्रेशन दोबारा हो जाए, ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जो बदलाव आए कश्मीर में, जिससे शांति की स्थापना हुई व्यापक तौर के ऊपर, टूरिज्म बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट्स नई आ रही हैं, इंडस्ट्री नई खुल रही हैं, और जो डेवलपमेंट के काम ग्राउंड के ऊपर हो रहे हैं, लोग उससे सारे खुश हैं। आज वहां पे कोई पत्थरबाजी नहीं होती, कोई रैलीज नहीं निकलती, लोग संतुष्ट हैं गवर्नमेंट के काम से। ये लोगों की संतुष्टि को डगमगाने की कोशिश है, उसको उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश है, जो ये इस तरह की सिलेक्टिव टारगेटिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है उन बाकी पार्टियों से, जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने को चैंपियंस बताती हैं कश्मीर का, और कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टी जो नेशनल पार्टी अपने को बताती हैं, कि आप लोग चुप क्यों खड़े हैं? आज जब हमला मिनोरिटीज के ऊपर होता है, आज जब हमला महिलाओं के ऊपर होता है, आज जब हमला हिंदुस्तान की अस्तित्व के ऊपर करने की कोशिश की जाती है, तो आप पॉलिटिकल पार्टीज चुप क्यों खड़ी हैं? किससे डरते हो? अगर डर नहीं है तो गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाओ। ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है, लेकिन आप लोग अपनी सिर्फ राजनीति करते हो, आप राजनीतिक बयानबाजी में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आपकी नजर इलेक्शन के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की नजर भारतीयता के ऊपर है। हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, इलेक्शंस जो है वो पीछे होंगे। मुझे एक और कंसर्न है कि ये, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि लगातार स्टेटमेंट्स जो हैं ये आर्मी की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से भी आ रही हैं, कि अफगानिस्तान के बदले हुए हालात के बाद कोशिश ये हो रही है कि कश्मीर में भी वैसे हालात बनाने की कोशिश की जाए। क्यों दो टीचर को जो है वो हमला किया जाता है? आप अफगानिस्तान में जो मलाला के साथ हुआ वो कश्मीर में करना चाहते हो? आप कश्मीर को वापस जो है वो डार्क एजेस में लेके जाना चाहते हो, अंधकार के युग में धकेलना चाहते हो कि लोग पढ़ाई के लिए स्कूलों में नहीं आए? जो लोग अपने घरों को छोड़ के कश्मीर में जाके सेवा करते थे, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे, आपने उन लोगों को जो शिक्षा का प्रकाश देने के लिए कश्मीर में आके काम किया, जिन्होंने उनकी उनके अपने घरों में अंधकार कर दिया, ये कौन सा फेस है मिलिटेंसी का? और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की जो बात करती रही कि कश्मीरी पंडित समाज को वापस कश्मीर में आके बसना चाहिए, और उनको अलग से बसने की जरूरत नहीं है, सभी समाज के बीच में आके बसे, जो लोग कश्मीरी समाज में जाके बसे, जो कश्मीरी माइग्रेंट वापस जा रहे हैं कश्मीरी समाज में, उनको तो टारगेट किया जा रहा है। और आज वो सियासी पार्टियां जो कहती रही हैं कि अगर कोई ऐसा प्लान है कि सेपरेट जो है वो हिस्से बनने चाहिए कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए या बाकी कम्युनिटीज के लिए जो सिक्योर जोन में, उनकी अपोजिशन करती रही, आज वो लोग कहां हैं? आज लोग इकट्ठे रह के जो अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहते थे कश्मीर में, आज उन लोगों को हताहत किया जा रहा है, लेकिन सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुप करके बैठी हैं। हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि मिलिटेंट्स के साथ बिल्कुल किसी तरह से कोई नरमी नहीं बरती जाए, सख्त से सख्त जो कदम उठाए जा सकते हैं उठाए जाए। ये मिलिटेंसी को पूरी तरह से हमने खत्म करना ही है, इसका उन्मूलन होना जरूरी है। अगर भारत को इकट्ठे रहना है तो मिलिटेंसी की कोई जगह जो है, कोई टेररिज्म की जगह जो है वो भारत में नहीं है। दूसरा, हम गवर्नमेंट से यह भी डिमांड करते हैं कि जो लोग मिलिटेंसी में मारे गए, जो टेररिज्म का शिकार हुए, उन लोगों के बच्चों को जो है उसकी शिक्षा का, उनके पालन पोषण का जिम्मा जो है वो सरकार ले। जो उनको अलग से बेनिफिट मिलते हैं वो तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन उनके बच्चों को जो है प्रोफेशनल लेवल तक जो है शिक्षा के बारे में सरकार जो है वो सोचे। और दूसरा, हम ये भी मांग करते हैं कि प्रिंसिपल साहब जिनको शहादत मिली कश्मीर में,
उस स्कूल का नाम जो है उन प्रिंसिपल साहब के नाम के ऊपर जो है वो होना चाहिए, वो सड़क जो स्कूल की तरफ जाती है उसका नाम जो है वो दीपक चंद जी के नाम पे वो सड़क का नाम होना चाहिए। इसी तरह मखनलाल बिंद्रू जी की अगर वहाँ पे शहादत हुई है तो उनका एक मेमोरियल जो है वहाँ पे होना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन को याद रहे कि ये लोग शांति के सपना देख के कश्मीर में पहुंचे थे, लेकिन देश के दुश्मन लोग जो हैं उन्होंने इनको वहां पे शहीद किया। गवर्नमेंट से हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपना इंटेलिजेंस का तंत्र जो है उसको बढ़ाइए। इंटेलिजेंस नेटवर्क बढ़ने से ही इस तरह की घटनाएं जो हैं वो खत्म होंगी, कम होंगी। लेकिन पब्लिक से भी जरूर भारतीय जनता पार्टी अपील करना चाहती है कि आप लोग सजग रहिए, अपने आसपास ध्यान रखिए, खासकर कश्मीर की जनता से अपने आसपास गतिविधियों के ऊपर ध्यान रखिए। अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आपके आसपास होती है तो उसको फौरी तौर के ऊपर जो है वह एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को बताइए। आप लोगों की आंखें और कान जो है वही मिलिटेंसी को, वही टेररिज्म को जो है वो कश्मीर में रोकेंगी। ये एक मुश्किल वक्त है जम्मू कश्मीर के ऊपर, हम सब मिल के साथ रहेंगे तभी इसका मुकाबला जो है वो अच्छी तरह से कर सकेंगे। आप कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो वी कैन टेक द क्वेश्चन। सर, आप बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज लगातार दावे करती है, क्योंकि इस समय रूलिंग में आप हैं, केंद्र की बात करें केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तो आप बात करते हैं कि कांग्रेस या फिर अन्य पार्टीज की, तो क्या लगता है कि जवाबदेही इस समय जो सेंटर में बैठी हुई सरकार की उनकी है या ऑपोजिशन की? देखिए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटते हैं। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो करना है वो हम करेंगे ही, लेकिन अपोजिशन का भी तो दायित्व है ना। क्या अपोजिशन का दायित्व सिर्फ आग लगाना है? जब देश के ऊपर बात आती है तो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी को मिलकर ही लड़ना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी तो भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर लड़ा जब देश की बात आती है। तो आज जब देश की बात आई है, जब माइनॉरिटी के ऊपर हमला होता है, तो उस वक्त अपोजिशन की पार्टी जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स करती है। आप लोग क्यों सामने आके जो है वो अपोजिशन इन माइनॉरिटीज के ऊपर हमले की मुखालफत क्यों नहीं करती? क्यों सामने नहीं आते? क्यों डरे हुए रहते हैं? क्यों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ गवर्नमेंट के साथ बात करो? आप एक टेरर नेटवर्क की गवर्नमेंट के साथ बात करवाने की बात करते हो। जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह बयान आता है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बात करो, क्या उसे इंकरेजमेंट नहीं होगी जो इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? तो ये सोचने की बात है। हम कश्मीर को क्या अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं? यह पाकिस्तान का गेम प्लान होगा। हमने इसके खिलाफ खड़े होना है और लड़ना है। हम लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे।